छत्रपाल आवाज आ रही मेरी? माइक ऑन करूं? छत्रपाल क्लियर है मेरी वॉइस? सुभाष पटेल आवाज आ रही मेरी? यस सर, ओके बेटा यस सर, ठीक है। चलिए सुभाष पहला क्वेश्चन स्टार्ट करिए रीड करना। यस सर। यदि समुच्चय ए 1 2 3 4, समुच्चय बी 3 4 5 6, तो ए इंटरसेक्शन बी का मान होगा बताइए बेटा क्या होगा इंटरसेक्शन बी का मान? फर्स्ट का क्या तीन होगा चार सर, आंसर? 1 2 3 4 5 6। अच्छा नो सर, नो सर, दो तीन हो चार, गए सर। तीन चार, तीन तीन फोर। चार, कॉमन पॉइंट लिए यस जाते हैं सर, ना, तो तीन चार इसमें यस है, सर, तीन चार इसमें है, तो आंसर आएगा 3,4। चलिए चार। अगला सवाल करिए। श्रेणी 2 4 8 डॉट 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 का आठवां पद होगा। कौन सा होगा आठवां पद दो भाई? सौ 256। 256। 2 4 8, मतलब सीधी सीधी बात, 2 की पावर 8 करना है। बिल्कुल सही, 256 करेक्ट आंसर। ठीक है चलिए अगला सवाल बताएं। यदि कोई बिंदु एक्स वाई तल में स्थित हो तो इसका जेड निर्देशांक होगा। जीरो, जीरो। एक्स वाई तल पे है तो इसका जेड निर्देशांक जो होगा वो 0 जीरो। होगा। बिल्कुल सही, थर्ड का ए। चलिए अगला क्वेश्चन, ये तो कई बार आ चुका है भैया, अब बताने की बात ही नहीं है ना। प्लस n+1 पदों की संख्या, n+1। चलिए अगले का हल बताइए जल्दी से। 4x-4 क्या बोल रहे हो? -4 to इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। बिल्कुल सही, -4 to इनफाइनाइट, मतलब ऑप्शन नंबर सी। चलिए सत्य असत्य लिखिए। पहला सत्य असत्य आपको बताना है, फर्स्ट सत्य असत्य पढ़ो बेटा। सुभाष पढ़ो, पढ़ना है तुम्हें, को पढ़ना आज। सर लेफ्ट हो गया। चलो तुम पढ़ो बेटा। फाई एक रिक्त समुच्चय है। गलत पढ़ रहे हो, फाई नहीं है ये है समुच्चय फाई, सेट ऑफ समुच्चय फाई। फाई हाँ समुच्चय फाई एक रिक्त समुच्चय है। बोलो सत्य की असत्य? असत्य। असत्य। बिल्कुल सही, ये गलत बात है। चलिए अगला पढ़ो बेटा। असामयिकाओं के निकाय का हल क्षेत्र वह उभयनिष्ठ क्षेत्र है जो निकाय में दी गई असामयिकाओं को संतुष्ट करता है। सत्य की असत्य? सर इसका मतलब किसका मतलब? सेकंड वाले का? यस सर, इसका मतलब ये है, जैसे कि मान लो कोई असामिका तुम बना रहे हो, तो उस असामिका का एक क्षेत्र ये आ रहा है और दूसरी वाली असामिका का यस सर, क्षेत्र जो है अंदर की तरफ आ रहा है। दूसरी वाली असामिका मान लो उसका क्षेत्र जो है अंदर की तरफ आ रहा है, कुछ इस तरीके से। तो उभयनिष्ठ जो उत्तर माना जाएगा, क्या माना जाएगा? उभयनिष्ठ वाला, जो दोनों का हल हो। समझ गए? यस सर, हाँ सत्य तो हो गए ये सर। सत्य होगा। बिल्कुल सही, ये जो है ये सत्य होगा। ठीक है अगला पढ़िए बेटा। दो सम्मिश्र संख्याओं का योगफल एक सम्मिश्र संख्या होती है। सही बात है, सत्य सत्य, बात है। हाँ सत्य है। चलो अगला पढ़ो बेटा। फैक्टोरियल 0 का मान 0 होता है। क्या है ये? सत्य, सत्य है। सत्य, बहुत बढ़िया बेटा, फैक्टोरियल असत्य सर, 0 का असत्य। मान 1 होता है। कितना होता है? 1। चलो अगला सवाल पढ़ो बेटा, फिफ्थ। यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रत्येक पद में एक अचर से गुणा किया जाए तो इस प्रकार प्राप्त अनुक्रम भी समांतर श्रेणी होता है। बताओ सत्य की असत्य? सत्य है सर, सत्य सत्य। है। किसी भी श्रेणी में, समांतर श्रेणी में, चाहे आप गुणा करो, चाहे भाग करो, चाहे जोड़ो, चाहे घटाओ, जो मिलने वाली श्रेणी होगी वो क्या होगी? समांतर समांतर श्रेणी ही श्रेणी। होगी। लिख लो बच्चों कॉपी में, समांतर श्रेणी के प्रत्येक पद को अगर आप किसी पद से जोड़ दो, घटा दो, गुणा कर दो, भाग कर दो, जो आंसर आएगा वो समांतर श्रेणी ही होगा। चलो भैया बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन। सही, इसके बनाने हैं आपको सॉल्यूशन। तो अभी मैंने ट्रिग्नोमेट्री आपको कुछ दिन पहले पढ़ाई है, उसी से बन जाएंगे ये सारे क्वेश्चन। आपको इनके त्रिकोणमिति के हल बताने हैं कि सबके हल क्या होंगे। व्यापक हल, sin x = 0 का व्यापक हल क्या होता है? बोलो पहले का नहीं भाई पता? सर, एक मिनट।
अरे भैया बहुत कॉमन है, एक्स इक्वल टू एन पाई। क्या होता है एक्स इक्वल टू एन पाई, एन लिखते पाई जाओ कॉपी में, बहुत काम में आएगा ट्वेल्थ क्लास में भी। साइन एक्स बराबर जीरो का व्यापक हल एम एक्स बराबर एन पाई। हाँ सेकेंड का बोलो, कॉस एक्स बराबर जीरो का सर व्यापक हल क्या फर्स्ट होगा? फर्स्ट नहीं, नहीं होगा, नहीं फर्स्ट नहीं होगा, सर, फर्स्ट नहीं होगा सी वाला होगा। सर। बताया था मैंने क्लास में, टू एन प्लस वन पाई बाई टू, याद आया? ऑड पाई बाई टू, विषम पाई बाई टू। चलो थर्ड का व्यापक हल बताओ भैया, कॉस एक्स इक्वल टू वन बाई टू का, कॉस एक्स इक्वल टू कॉस अल्फा। क्या पढ़ाया था व्यापक हल? एक्स इक्वल टू टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा, क्या होगा? फर्स्ट वाला फर्स्ट वाला, बिल्कुल सही। फिर टेन एक्स बराबर रूट थ्री का व्यापक हल क्या होगा? टेन एक्स इक्वल टू टेन अल्फा का व्यापक हल क्या पढ़ाया सर ने? एक्स इक्वल टू एन पाई प्लस अल्फा, क्या होगा बोलो? साफ दिख रहा है ये वाला है ई। और लास्ट में साइन एक्स इक्वल टू वन बाई टू का व्यापक हल क्या होगा? टू एन प्लस वन गलत, एन पाई प्लस माइनस वन की एन पावर पाई पाई बाई सिक्स, प्लस ये वाला होगा। ऐसा बच्चों ट्रिग्नोमेट्री कमजोर है, स्ट्रॉन्ग कीजिए, नहीं दिक्कत में फंसेंगे, ट्वेल्थ क्लास में रुला देगी ट्रिग्नोमेट्री। स्ट्रॉन्ग कीजिए ट्रिग्नोमेट्री, बहुत वीक है आप लोग की। चलिए क्वेश्चन फोर्थ पॉइंट पढ़ो बेटा, पहला क्वेश्चन। 3 माइनस 11 आयोटा का संयुग्मी क्या होगा खालिस्थान बोलो बोलो बोलो, क्या होगा? 3 प्लस 11 थ्री प्लस इलेवन आयोटा सही है। चलो अगला बोलो बेटा, 7 और 5 फैक्टोरियल का डिवाइड क्या होगा? 42 सही है। नाभिलंब की लंबाई बताओ बेटा इसके, 4a थोड़े, बिल्कुल सही। एक्स अक्ष और वाई अक्ष मिलाकर तल बनाते हैं, उस तल को कौन सा तल कहते हैं? एक्स वाई तल, xy ठीक है। किसी घटना के होने की प्रायिकता 2/11 है, तो न होने की प्रायिकता क्या होगी बोलो? 9/11 नौ नौ बटे बटे ग्यारह ग्यारह बिल्कुल सही बच्चों, 1 माइनस 2/11 बराबर 9/11। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ो बेटा। यदि समुच्चय यूनिवर्सल बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 तथा समुच्चय ए बराबर 2 4 6 तो ए का पूरक समुच्चय लिखिए। बोलो भैया, पूरक समुच्चय क्या होगा ए का? 1 3 5 6 7 8 1 3 5 6 7 8 1 3 5 7 8 1 3 5 7 8 बिल्कुल सही बेटा, वेरी गुड। 1 3 5 7 8 अगला सवाल करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक फलन एफ एक्स इक्वल टू 2x-5 द्वारा परिभाषित है तो f-3 का मान लिखिए। बोलिए। -11 -11 बिल्कुल सही, 2 -3 -6 और -5 हो जाएगा -11। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। यदि समुच्चय ए बराबर 1 2 3 और बी बराबर 4 तो ए गुणित बी समुच्चय बी बराबर 4 तो ए गुणित बी का मान लिखिए। बोलो क्या होगा? एक चार दो चार तीन चार सही, 1 4 2 4 3 4। अगला सवाल, x-3 की होल पावर 7 के प्रसार में मध्य पदों की संख्या लिखिए। कितने मध्य पद होंगे? पावर 7 दो है, सर, दो मध्य पद होंगे, सर क्योंकि दो सर टोटल पद होंगे 8 और जब भी सम पद होते हैं तो दो मध्य पद होंगे, ठीक है। यस सर। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 5वां पढ़ो। कथन चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी है का निषेधन लिखिए। सिंपल है, निषेधन मतलब उसका निगेटिव बना दो, नहीं चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी नहीं है। चलिए तो ये हो गया बेटा पूरा पार्ट इसका। अब इसके बाद इसके बचे हुए हैं थियोरेटिकल क्वेश्चन, वो आप मुझे करके सेपरेट दिखाएंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट पेपर पे, 2019 का पेपर, बोर्ड परीक्षा प्रश्न पत्र 2019। चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ो बेटा मौर्या जी। यदि यदि ए समुच्चय ए बी और बी समुच्चय ए बी सी तो ए यूनियन बी क्या होगा बोलो। कमान होगा। ए बी सी ए बी सी बिल्कुल सही, तो फर्स्ट का डी है भैया।
फर्स्ट का डी ए बी सी। चलिए नेक्स्ट, हाँ अगला क्वेश्चन पढ़ो बेटा। 3x-7 greater than 5x-1 का मान होगा, बोलो हल क्या होगा। Infinite n minus 3. Infinite to minus 3. Infinite minus 3 मतलब आप कह रहे हैं बी आंसर, बिल्कुल सही बी। अगला a प्लस बी की पावर n के प्रसार में मध्य पद होगा जबकि n सम है, तो सम होने पर मध्य पद क्या होता है, n by 2 plus n by 2 plus 1 वा पद, तो नोट कर लो बी आंसर होगा इसका, थर्ड का बी। चल अगला क्वेश्चन करें बेटा, इस श्रेणी का कौन सा पद 128 है। 128 नहीं समझ में आ रहा, इसका कौन सा पद 128 है बेटा। देखो तो ये क्या है बेटा, ये जीपी है, गुणोत्तर श्रेणी है ना, क्योंकि दो में रूट टू का मल्टीप्लाई करोगे तो दो रूट टू बनेगा, और दो रूट टू में फिर से रूट टू का मल्टीप्लाई करोगे तो फोर बनेगा, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये गुणोत्तर श्रेणी है जिसका सर्वानुपात कितना है, रूट टू है। तो फॉर्मूला क्या होता है, ए आर की पावर एन माइनस वन होता है एनवा पद। एनवा पद कितना दिया, 128, बोलो हाँ। यस सर, तो 128 को आप क्या लिख सकते हो, 128 को आप लिख सकते हो 2×64 लिख सकते हो। यस सर लिख सकते, क्योंकि 64 का डबल जो होता है वो 128 हुआ करता है, तो इसको आपने 2×64 की फॉर्म में लिख दिया। अब ए की वैल्यू कितनी है 2, आर की वैल्यू है बेटा कितनी, रूट टू की पावर एन माइनस वन इक्वल टू 2×64। 64 क्या होता है बेटा, 2 की पावर 6, तो 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल। अच्छा 2 की पावर क्या होता है, 1/2 होता है, तो ये बन जाएगा n माइनस 1/2 इक्वल टू 2 की पावर 6। चलो कंपेयर कर दो, दोनों तरफ की तुलना कर दो, n माइनस 1/2 इक्वल टू हो जाएगा 6, तो n बराबर हो जाएगा, n माइनस 1 = 12, तो n बराबर 13, तो आंसर कौन सा पद होगा, 13वां पद। नोट करो बेटा, ठीक है। यस सर, ओके यस सर। अगला क्वेश्चन पढ़ो। जेड एच पर किसी बिंदु के निर्देशांक होते हैं, क्या होते हैं बोलो, ए वाला 0, 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
पढ़ो। तीन समुच्चय 3, 2, 3, 4 उप समुच्चय 1, 2, 3, 4 नहीं समुच्चय नहीं है। बोलो सत्य की असत्य? असत्य असत्य बिल्कुल साफ उप समुच्चय दिख रहा है। हाँ। तो ये असत्य है, ठीक है ना बेटा। चलो अगला पढ़ो। दो समिश्र संख्याओं का गुणनफल एक समिश्र संख्या होती है। बोलो सत्य। हाँ बिल्कुल सही सत्य। अगला। एक असमिका के दोनों पक्षों में समान संख्या जोड़ी या घटाई जाए तो सत्य। सत्य घटाई जा सकती। सही है। और क्या? अगला पढ़ें। NCR is equal to NN minus R, जहां जीरो बड़ा छोटा है बराबर है R की वैल्यू जीरो से लेके वन के बीच में है, ऐसे बोलो। जहां R की वैल्यू जीरो से वन के बीच में है, बिल्कुल असत्य है। असत्य है, बिल्कुल असत्य है। फॉर्मूले में नीचे एक R भी आता है ना। अगला पढ़ो, अगला पढ़िए। यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रत्येक पद में एक अचर जोड़ा जाए तो इस प्रकार प्राप्त अनुक्रम भी समांतर श्रेणी होती है। हाँ, होता है। सत्य। हाँ, बिल्कुल सही भैया, ये जो है ये सत्य है। चलिए नेक्स्ट। सही जोड़ी मिलाओ। बोलो भैया cos x plus y का फॉर्मूला क्या होगा? cos x cos y minus sin x sin y cos x। अगला cos x minus y का cos x cos y plus y cos y plus sin x। बिल्कुल सही बेटा। अगला sin x plus y का sin x cos y plus cos sin y। बिल्कुल सही फर्स्ट वाला। इसका क्या होगा? sin x cos y minus cos x sin y। और लास्ट वाला लास्ट के सामने आ गया। ठीक है बच्चों। यस सर।
रिक्त स्थान की पूर्ति करेंगे अब। यस सर। थ्री प्लस आई का मापांक बोल दो कितना होता है। थ्री प्लस आई का मापांक कितना होगा निकालिए सर, जस्ट अ सेकंड। यस। हो गया युवराज पूरा चेक। बोलो। बी माइनस आई अपॉन एट का कर रहे हो भैया? बी माइनस आई अपॉन एक काहे को होगा, मापांक निकालना है यार। मापांक का मतलब होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तीन का स्क्वायर नाइन और आई का चिपको है वन, तो वन का स्क्वायर, तो आंसर आएगा रूट दस। रूट दस ठीक है। चलिए ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 2 का मान क्या होगा? नेक्स्ट बोलिए, एक्स वाई तल में एक बिंदु के निर्देशांक कैसे होते हैं? एक्स कॉमा वाई कॉमा जीरो। थ्री डी में बोलोगे तो एक्स वाई जीरो और टू डी में बोलोगे तो एक्स कॉमा वाई। चलो अगला, दो सिक्कों को एक बार उछालने पर प्रतिदर्श समष्टि कितनी होती है? दो। गलत, दो सिक्के हैं भैया तो प्रतिदर्श समष्टि बनानी है आपको। एस सर टू की पावर एन सर चार। चार ऐसे बनाओगे, एच एच टी एच एच टी टी एच टी एच बना लो, ये होगी प्रतिदर्श समष्टि। प्रतिदर्श समष्टि पूछी है मतलब पूरा सेट लिखना पड़ेगा, प्रतिदर्श समष्टि के बिंदु नहीं लिखे हैं कि चार लिखे आओ, तो आंसर ये होगा। ठीक है, ठीक है बच्चों। यस सर। यस सर। एक शब्द में उत्तर दीजिए, बोलो भैया पहला। एक तीन पाँच सात नौ। एक तीन पाँच सात नौ बिल्कुल सही जवाब है, दस से कम विषम प्राकृत संख्या 1 3 5 7 9। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, ये वाला आपने कर लिया था ना सेट कर? नहीं नहीं किया था, इसमें एक दो क्वेश्चन रिपीट हो गए थे, करा नहीं है। देखो ना चंडीगढ़ हरियाणा कहाँ करा था। चलो अगला। ये समुच्चय माइनस वन वन तो ए इंटू ए क्या होगा? ए का मान हो कितना होगा बोलो भाई, कितने बिंदु सर? बनेंगे चार बिंदु बनेंगे। हाँ बोलो। यस सर। वन 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 माइनस वन माइनस वन वन और माइनस वन माइनस वन। सही है बेटा, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन, एक फलन एफ एक्स टू एक्स माइनस फाइव द्वारा परिभाषित है, तो एफ सेवन का मान लिखिए। सब में नहीं लिखना युवराज, पूरे को चेक करके लास्ट में बस वन दे दे, ठीक है ना? हाँ, सब में नहीं वन वन टाइप कर, इतना टाइम थोड़ा ना है तेरे पास। चलो अगले। सही है बच्चों, कितना बताया बच्चों वैल्यू आपने? नाइन। नाइन बिल्कुल सही है, नाइन वैल्यू। अगला क्वेश्चन, आर प्लस वन वा पद बताओ भाई, बहुत फेमस है, क्या होता है, क्या पढ़ाया है? एनसीआर। क्या कर रहे हो यार तुम लोग? एनसीआर ए की पावर एन माइनस आर माइनस, ये थोड़ा ना भूलो यार, बाइनोमियल के 50 क्वेश्चन लगवा दिए मैंने। अगला क्वेश्चन, घटक कथन लिखो, चंडीगढ़ हरियाणा और पंजाब की राजधानी है, इसके घटक कथन, और को हटाओ और बीच में जोड़ दो, चंडीगढ़ हरियाणा की राजधानी है, चंडीगढ़ पंजाब की राजधानी है, ठीक है? दो कथन बन जाएंगे, बन जाएगा बच्चों? सो ये क्वेश्चन भी आते हैं। हाँ, ये आपका है ना वो चैप्टर, लॉजिकल रीजनिंग चैप्टर है ना एक, तो ऐसे लिखने को आते हैं छोटे छोटे, एक एक दो दो नंबर के। चलो डन। यस सर। ठीक है, चलिए अगला सवाल। सही विकल्प लिखिए, ए इंटरसेक्शन बी का मान बताओ भाई, 2020 का पेपर आ गया।
थ्री फोर फाइव सर सर इनमें कोई है ही नहीं है नहीं है भैया मान बहुत आसान है कितना होता है 24 पंच 120 120 यस सर 120 नेक्स्ट कुल पदों की संख्या 2n प्लस 1 बिल्कुल सही 1 प्लस आई रूट 3 का मापांक अभी बताया मगर वो 3 था बोलो कितना आएगा यहाँ 4 आएगा नहीं आएगा 4 2 आएगा देखो 1 का स्क्वायर 1 और रूट 3 का स्क्वायर 3 अंडर रूट 4 हो जाएगा जो 2 बनेगा सर 2 यस सर चलो सही जोड़ी बनाइए बोलो भैया 10 टू x का फार्मूला क्या होगा सर 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x वेरी गुड बेटा रेडियन की माप बताओ कितनी होती है सर रेडियन ठीक है बिल्कुल सही cos x equal to 1 by 2 का सलूशन बताओ क्या होगा व्यापक हल बताओ क्या होगा बोलिए क्या हो गया व्यापक हल क्या कर रहे हो यार 2n पाई प्लस माइनस 1 बाई 3 होगा ना क्या होता है भाई व्यापक हल क्या होता है cos x इक्वल टू cos अल्फा का जनरल सॉल्यूशन लिख लो x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा ये होता है अब आपके पास में x इक्वल टू 1 बाई 2 तो 1 बाई 2 मतलब 60 डिग्री मतलब पाई बाई 3 तो यहाँ पे 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3 आ गया ठीक है sec square minus 1 equal to क्या होगा tan square x sin x equal to 1 का general solution बताओ sir n pi plus bracket minus 1 की power n pi by 3 बिल्कुल सही sin x equal to 1 का 1 by 2 का general solution ये होगा ठीक है ना 5th का d एकदम सही चलिए अगला सवाल पढ़ो बेटा अगला सवाल वह समुच्चय जिसमें अव्यवय की संख्या सीमित हो को कहते हैं क्या बोलते हैं परिमित समुच्चय परिमित समुच्चय अगला वैल्यू बता बेटा इसकी एक फलन एफ एक्स दो एक्स प्लस माइनस वन इसकी वैल्यू जो होगी माइनस वन होगी बिल्कुल सही टू थ्री जा माइनस सिक्स माइनस वन आ गई चलो अगला बताओ 30x प्लस x में x का मान क्या होगा x लेस देन 6 बिल्कुल सही x लेस देन 6 कह लो या x बिलोंग या 1 2 3 4 5 इनफिनिटी टू 6 नहीं बेटा 1 2 3 4 5 नहीं बोल सकते हो क्योंकि नेचुरल नंबर नहीं दिया इसने कहीं ये नहीं बोला है कि प्राकृत संख्या है अगला क्वेश्चन तो बन जाएगा ना चमेल तमिलनाडु चेन्नई की राजधानी नहीं है है ना यस सर चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी नहीं है अगला क्वेश्चन एक्स वाई तल में है जेड निर्देशांक कितना होगा बहुत सिंपल जीरो चलिए बहुत इजी क्वेश्चंस हैं इसके अगला क्वेश्चन सत्य सत्य आ गया बताइए पहला पढ़ो छत्रपाल यदि किसी समुच्चय में तीन अवयव हैं तब उसके उप समुच्चयों की संख्या 8 होगी सही है गलत है सत्य 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 की पावर 3 8 हो जाएगा सत्य अगला z इक्वल टू 1 प्लस a प्लस ib a प्लस ib इक्वल टू चलो तुम पढ़ो बेटा सुभाष सुभाष पढ़ेगा सुभाष तुम पढ़ो यस सर जेड इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी का संयुग्मी जेड बार इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी होगा सही की गलत असत्य असत्य है माइनस आ जाएगा अगला प्रश्न अगला क्वेश्चन पढ़ो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ग्रेटर देन लेस देन जीरो अरे ग्रेटर देन जीरो रैखिक समीकरण है सही की गलत
सत्य असत्य है भैया, सत्य नहीं है। सत्य सत्य कैसे होगा, रैखिक समीकरण में पावर वन होती है एक्स की, यहाँ पर पावर दो है, तो ये असत्य है। यस सर, यस सर, सॉरी सर, कंफ्यूज। चलो अगला क्वेश्चन पढ़ो सर। फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 5 का मान 24 है, सही की गलत? असत्य, असत्य। अगला क्वेश्चन, ए प्लस बी की पावर एन का विस्तार, ध्यान से देखो विस्तार ये वाला है कि नहीं है जो दिख रहा है, एन कराया है ना विस्तार आप लोगों को? यस सर, यही है। यस सर, हाँ यस सर, यस, तो यही विस्तार है, सत्य है। चलिए अगला, पढ़िए पहला क्वेश्चन दिए गए। पहला क्वेश्चन सर, हाँ, an is equal to 2n plus 5 में a3 होगा, बोलो भाई सर। 11, 11 बिल्कुल सही। अगला नेक्स्ट, श्रेणी 2 4 6 का पांचवा पद है, बोलो। 10, 10 सीधे गिनती लिखी हुई, पहाड़ा लिखा हुआ 2 का। चलो अगला, परवलय y square is equal to minus 4 ax में नाभि लंब जीवा की लंबाई कितनी होती है? 4a, ठीक है। अगला क्वेश्चन, दो बिंदुओं p x1 y1 z1 तथा q x2 y2 z2 के बीच की दूरी का सूत्र pq डैश कौन सा है, पहला वाला है कि दूसरा वाला है, बताओ। ये ऊपर वाला कि नीचे वाला? तो घटना ए नहीं की प्रायिकता डैश होगी, क्या होगी? 9/11, ठीक है ना। अब इसके बाद थ्योरेटिकल क्वेश्चन बचे हुए हैं, ये आप कंप्लीट कर लीजिए, और इसमें कोई डाउट हो तो अगली क्लासेस वगैरह में पूछ लीजिएगा। तो इस तरीके से हमारे जो पेपर हैं वो पूरे हो चुके हैं, 2021 का लिखा हुआ है नहीं हो पाया पेपर, तो 2020 तक के पूरे क्वेश्चन पेपर अपन ने बच्चों कर लिए हैं। ये फाइल सभी के पास है ना बच्चों, ग्रुप में डली हुई मिल गई ना? यस सर, यस सर। ठीक है, तो इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हैं आप लोग को लगा करके रखने हैं, और जो नहीं बनेगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन वो मुझसे पूछना है। अभी भी यदि किसी के पास सब्जेक्टिव क्वेश्चन, किसी के पास कोई डाउट है तो राइट नाउ मुझसे पूछ लो, अदरवाइज़ आपको लगाने का एक दिन का वक्त दिया जाता है, पेपर फिनिश हो चुका है, इसको लगा करके फिनिश कर दीजिए, ठीक है बच्चों? यस सर, यस सर। कल से स्टार्ट होगी अपनी, कल अभी मैथ्स पढ़ाऊँगा मैं, और कल में मैं मैथ्स में चैप्टर स्टार्ट करूँगा। पहला चैप्टर अपना रहेगा प्रायिकता, ठीक है? Yes, sir. पीछे से सिलेबस स्टार्ट करेंगे, कल मैं कराऊंगा आपको प्रायिकता पूरा कराऊंगा। कल प्रायिकता पढ़ के आइएगा, डाउट निकाल करके लेके आइएगा, कल अपना चलेगा प्रायिकता। पीछे से स्टार्ट होगा सिलेबस आगे तक मैथ्स का। चलिए तो सर, जो बुक में है प्रायिकता वो वाला? हाँ भैया, मैथ्स वाली प्रायिकता चलेगी ना आपकी? यस सर, मैथ्स की प्रायिकता चलेगी जो बुक में है आपकी पूरी की पूरी, उसको करके लेके आना, कोई डाउट हो तो देख लेना, है ना? नहीं तो मैं क्वेश्चंस कराऊंगा आपको। चलिए ठीक है बच्चों, क्लास आज यहीं पर ऑफ करते हैं। धन्यवाद बच्चों।